Hallo Nazrin! तो इस वक्त नाजरीन हम गाँव कूच क्रॉस करके गुपिस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से कोई गुपिस 10-15 किलोमीटर रहता है। तो यहाँ एक अच्छा पॉइंट था, हम रुके हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर में यहाँ से गुपिस की तरफ हम अपने सफ़र का मज़ीद आगाज़ करेंगे। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत व्यू है। अभी हम लोग दरिया के किनारे पे मौजूद हैं। अभी हमें यहाँ से आगे जाना है पंडर वैली की तरफ। अभी रास्ते में हम लोग यहाँ नमाज पढ़ने के लिए रुके हैं। अभी हम लोग वहाँ से रास्ते से पानी वगैरह लिए थे, वो ठंडी होने के लिए वहाँ रखी है। जैसे ही वो पानी ठंडी होगी हम लोग वो खा के आगे का जो रास्ता है मंजिल की तरफ हवा गाँव होंगे। अभी हमारे मुजफ्फर साहब वो वहाँ से वो लेके आ रहे हैं वो बोतल शोतल वगैरह। ये पीछे दरिया है किधर बह रहा है, जो यहाँ से होता हुआ गिलगित पहुँचेगा। गिलगित से दरिया गिलगित के साथ मिल के पूंजी के मकाम पे रिवर इंडस के साथ ये मिलेगा ये पानी। तो इस वक्त हम यहाँ हैं। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम आगे यहाँ से आगे गुपिस की तरफ हम अपने सफर का आगाज करेंगे। ये हमारा तीसरे मुजफ्फर इंजीनियर, मुजफ्फर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। अस्सलाम वालेकुम मेरे जानिशीन तमाम जो भी व्यूअर्स हैं सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नॉर्दर्न टूर की तरफ से हम लोग किस वक्त गिदर के खूबसूरत तरीन इलाके में मौजूद है। यहाँ पे जैसे कि आप जाहिद रिले साहब को पहले वीडियोस में देखते रहे, ये वजाद साहब हैं। हमने रबी नमाज अदा की, उसके बाद हम यहाँ बैठ गया कि कुछ तवाफुल करेंगे इधर। उसके बाद आप देख सकते हैं ये लोकल पानी यहाँ का बहुत ही मशहूर, ये इसका नाम जो है कुछ भी है छोड़ दें आप, इसका नाम ही नहीं आता पानी। नाजरीन इसको आप देखें यहाँ पे। नाजरीन टूर मेरा पेज को लाइक करना न भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा। फायर मार रही है इसे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देख आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है हमारे पीछे। यहाँ दरिया बह रहा है, बहुत ही ठंडा पानी है इसका, ये पूरा बर्फ का पानी है, साफ सुथरा पानी। इसके साथ आप देख सकते हो बीच में एक छोटा सा जजीरा है, छोटा सा। इसके दूसरी साइड पे भी यहाँ पे दरिया बह रहा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके साथ यहाँ पे मोबाइल सर्विस की आप देख सकते हैं स्पेशल टेलीकॉम का यहाँ पे टावर भी लगा हुआ है, अगर आप इस वीडियो में आपको नजर आ रहा हो यहाँ से। बहरहाल ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे आप विजिट करें आप बहुत इंजॉय करेंगे। स्पेशली इस टाइम पे जब आप यहाँ पे कहीं स्टे करना चाहें तो आपको कोई पाबंदी नहीं है, ओपन एरिया है। इसके ऊपर आप देख सकते हो पे ग्रीनरी है बिल्कुल ऊपर, वहाँ पे आप टूरिस्ट में भी यहाँ पे पेड़ लगा के यहाँ रात गुजार सकते हैं। और भी बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पे किसी तरह का कोई भी आपको खतरा लाग नहीं होगा। यहाँ के लोग इतने मेहमान नवाज हैं, यहाँ पे खाने पीने के हवाले से बहुत ही मशहूर है। यहाँ के लोकल डिशेज आप इंजॉय करेंगे। और रेस्टोरेंट होटल यहाँ थोड़ा से आगे काकू शेर है, वहाँ पे आपको तमाम चीज़ों की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा ये वीडियो आप लोग जो है नॉर्दर्न टूर की तरफ से इस वक्त पे मुलाहजा कर रहे हैं, जो उसका जो है होस्ट हमारे जो है ना जनाब जाहिद रेले साहब है। इनका जो है पेज है फेसबुक के ऊपर, आप उसको लाइक करें, उसके ऊपर कमेंट करें, उसको तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। स्पेशली ये वीडियो जब आप शेयर करें तो याद रखिएगा जब भी गिलगित-बल्तिस्तान का आप टूर करना चाहें तो आपका जो लिंक है उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट नंबर आपको प्रोवाइड की जाएगी जाहिद रेले के हिसाब से, आप उसको उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गिलगित-बल्तिस्तान में कहीं पर भी आपको किसी तरह की भी गाइडलाइन चाहिए होगी, टूरिज्म के हवाले से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। इनका नंबर, इनका तमाम डिटेल्स आपको नीचे लिंक में प्रोवाइड की जाएगी। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अभी फ़िलहाल हम इजाज़त चाहते हैं नॉर्दर्न टूर की तरफ से। आप तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम।